Assalamualaikum viewers, this is Faiza Wasim and today I will tell you that how can you convert a GPG image into a text. आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग किसी इमेज को टेक्स्ट के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग के पास एक इमेज है जिसमें बहुत सारा जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप लोग उस टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हो अपने किसी डॉक्यूमेंट में, तो अगर आप लोग उसको टाइप करने बैठोगे तो आई थिंक वो काफी टाइम ले लेगा आप लोगों का और जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो आज हम लोग एक ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप लोग इजीली अपने जो इमेज में टेक्स्ट है उसको जो है वो बिना लिखे उसको कॉपी करके अपने पास वर्ड में सेव कर सकते हो या अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए यूज कर सकते हो. आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं. यहाँ पर मैंने एक इमेज अपने पास सेव करके रखी हुई है, मैं इसको आप लोगों को दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये इमेज है और मैं चाहती हूँ कि ये मैं टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं इसको लिखने के बजाय किस तरह से इसको कॉपी कर सकती हूँ आज हम लोग ये देखते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में मेरी जो भी न्यू अपडेट्स हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करो और यहाँ पे न्यू टैब में आप लोग लिखो newocr.com www.newocr.com और यहाँ पे लिखने के बाद आप लोग के पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो भी आपकी इमेज है यहाँ से चूज फाइल करके उस इमेज को यहाँ पे ले आओ. आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो चाहो तो. ये रही मेरी इमेज. अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जितना भी डेटा है वो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे लिखना ना पड़े बल्कि मैं डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर लूँ. तो यहाँ से जब आप लोग की इमेज लोड हो जाए तो आप लोगों ने प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है और ये कुछ टाइम के बाद जो है वो इस तरह से उसका प्रीव्यू शो हो जाएगा. आप लोग चाहो तो यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हो या आपको या इसको मूव करवाना चाहो जिस हिसाब से भी अपने. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल OCR बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये थोड़ा टाइम लेगा आप लोगों का, प्लीज वेट. और उसके बाद जो है वो आपको सिंपल जितना भी टेक्स्ट था वो मिल जाएगा. ये हमारी इमेज का जितना भी टेक्स्ट था वो आप लोगों को नीचे यहाँ पे मिल गया. यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ और कॉपी करके कंट्रोल सी और अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी मुझे यूज करना है मैं वहाँ पे इसको यूज कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इसको यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ और कंट्रोल सी. ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग खुद कर सकते हो. यहाँ से इसको जो है वो जिस हिसाब से भी आप लोगों को उसकी फॉर्मेटिंग करनी है आप लोग वो कर सकते हो. मतलब ये कि सिंपल आप लोगों को जो है वो इतना ज्यादा टेक्स्ट लिखने की, ये तो मैंने छोटी सी पिक्चर ली थी, इतनी कोई ज्यादा इसमें टेक्स्ट नहीं था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि ऐसी इमेजेस होती हैं जिसमें जो है वो काफी सारा टेक्स्ट लिखा होता है और हम लोग उसको देख देख के टाइप कर रहे होते हैं. तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.